गुजरात में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है, लेकिन इस सब के बीच गुजरात का एक पोलिंग बूथ है जो सबसे ज्यादा चर्चा में है। दरअसल गुजरात के जूनागढ़ के गिर के जंगलों में एक पोलिंग बूथ है जिस पर सिर्फ एक ही वोटर है, और हर विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग इस पोलिंग बूथ पर 15 चुनाव कर्मियों की टीम को भेजता है ताकि ये वोटर अपना मतदान कर सके। और इस बार भी चुनाव आयोग ने यहाँ पर पोलिंग बूथ लगाने की बात कही है। पोलिंग स्टेशन बीइंग सेट अप व्हिच इज ऑन द लेफ्ट साइड ओनली फॉर वन वोटर। इस पोलिंग स्टेशन में सिर्फ एक ही वोटर है जो वहीं रहना चाहते हैं, बाहर नहीं आना चाहते, उनके लिए हमारी 15 लोगों की टीम जाएगी और एक वोट लेने के लिए। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। आपको बता दें कि गिर के जंगलों की दुनिया भर में एक अलग पहचान है, वो है यहाँ के शेरों की वजह से। गिर के जंगलों में 2015 की गणना के अनुसार 523 शेर थे, वहीं 2020 की गणना में शेर शेरनियों की तादाद 674 तक पहुंच गई है। दूसरी तरफ वन विभाग का कहना है कि गिर के जंगलों में शेरों की आबादी अब 700 के आंकड़े को पार कर चुकी है। लेकिन चुनाव में शेरों से हटकर इस पोलिंग बूथ की चर्चा सबसे ज्यादा रहती है। अब इस पोलिंग बूथ के इकलौते वोटर की बात की जाए तो वो भारत दास बापू है, जो इन शेरों के बीच बेखौफ होकर अकेले रहते हैं। भारत दास एक बार भी अपना वोट डालने से चूकते नहीं हैं, और इसी वजह से यहाँ पर हर बार 100% मतदान होता है। दरअसल भारत दास गुजरात के सोमनाथ जिले के बानोज गांव के इकलौते वोटर हैं, और वो यहाँ के एक प्राचीन मंदिर के पुजारी भी हैं। और सबसे अहम बात यह है कि जिस गांव में भारत दास रहते हैं वहाँ पर किसी को आने की अनुमति नहीं है। यहाँ मंदिर में रहने वाले पुजारी के लिए ही अलग पोलिंग बूथ बनाया जाता है, और पोलिंग बूथ पर 15 चुनाव कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाती है। आपको बता दें कि भारत दास साल 2007 से नियमित रूप से यहाँ पर अपना वोट डाल रहे हैं।